अच्छा दिकरा, आराम से बैठ जाओ, एक जगह गिरकर चोट लगवा लोगे। कुछ नहीं होता मामा। असद इधर आओ, ये वाले कपड़े दूसरे रूम में जाकर रख दो। मैं लेकर जाऊं मम्मा? तुम ये वाले लेकर जाओ। ठीक है, लेकिन आप इन कपड़ों को अलग क्यों करेंगे मम्मा? बेटा मैं अलमारी की सफाई कर रही हूँ, आप लोगों के कुछ कपड़े छोटे हो गए हैं, उनको अलग कर रही हूँ। चलो अब ये कपड़े लेकर जाओ। अरे भाई ये क्या, ये सारा सामान क्यों बिखेरा हुआ है? अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम मेरी प्यारी गुड़िया। असद कहाँ है? अभी दूसरे कमरे में कपड़े रखने गया है। मैं भी कपड़े रखने जा रही थी, अभी आती हूँ। ये हर 2-3 महीने बाद तुम कपड़े क्यों सेट करने लग जाती हो? 2-3 महीने बाद नहीं, पूरे 6 महीने बाद। गर्मियों और सर्दियों के कपड़े अलग करके रख रही हूँ। बच्चों के कुछ कपड़े छोटे हो गए हैं, कुछ के कलर्स फेड हो गए हैं, उनको अलग कर रही हूँ। आप बल्कि इधर आइए, ये ऊपर वाले कैबिनेट्स खोलिए। ओह, काम काम काम, ऑफिस में भी काम, घर में भी काम। सिर्फ कैबिनेट खोलने का ही तो कहा है, इसमें कौन सा बड़ा काम है? हाँ जैसे मुझे पता नहीं, अभी तुम कहोगी मेरा हाथ नहीं पहुँच रहा, ये बैग निकाल दें, फिर कहोगी ये ऊपर रख दें। 6 महीने में आपको एक बार करना पड़ता है ये काम, और मुझे रोजाना हजारों काम करने होते हैं। अच्छा भाई कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हो? ठीक हूँ बाबा। असद ये वाले कपड़े भी दूसरे रूम में ले जाओ। अच्छा मामा। ये वाले तो बिल्कुल ही बेकार हो गए हैं, और ये वाले कपड़े असद और इकरा को छोटे हो गए हैं, लेकिन ठीक हालत में है, ये किसी को दे देंगे। बच्चों के लिए सर्दियों के नए कपड़े खरीदने पड़ेंगे अली, पिछले साल के सारे कपड़े इनको छोटे हो गए हैं। अच्छा भाई सर्दियाँ आए तो सही, अभी तो गर्मी ही जान छोड़ने का नाम नहीं ले रही। बाबा एक बात कहूँ? हाँ बेटा बोलो। मुझे एक नया ड्रेस चाहिए, लेकिन अपने लिए नहीं, अपने एक दोस्त के लिए। किस दोस्त के लिए बेटा? बाबा मेरा एक दोस्त है, उसके अबू फोत हो गए हैं। कुछ दिन पहले हम मस्जिद में पढ़ रहे थे, तो कारी साहब ने हमें नए कपड़े पहनने की दुआ सिखाई थी। तो वो कहने लगा मेरे पास तो नए कपड़े ही नहीं है। कारी साहब ने उसे समझाया कि अगर नए कपड़े ना हो तो कोई बात नहीं, पुराने कपड़े पहनते हुए भी एक दुआ पढ़ी जा सकती है। और फिर कारी साहब ने हमें पुराने कपड़े पहनते हुए पढ़ी जाने वाली दुआ भी याद करवाई। लेकिन बाबा मैं चाहता हूँ कि उसे एक नया ड्रेस गिफ्ट करूँ। बेटा तुमने बहुत अच्छा सोचा है, हम जरूर ऐसा ही करेंगे। अच्छा तुम्हारे कारी साहब तुम्हें दुआएं भी याद करवाते हैं? जी बाबा। और कपड़े पहनने की दुआ भी तुम्हें याद है? जी बाबा। अच्छा सुनाओ जरा। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा कसौतनीही अस्अलुका खैरहु व खैर मा सुनी अलहु व अऊजु बिका मिन शर्रिही व शर्रि मा सुनी अलहु। ऐ अल्लाह तेरे लिए सब तारीफ है, जैसा कि तूने ये कपड़ा मुझे पहनाया, मैं तुझसे इसकी भलाई का और उस चीज की भलाई का सवाल करता हूँ जिसके लिए ये बनाया गया है, और मैं तुझसे इसकी बुराई और उस चीज की बुराई से पनाह चाहता हूँ जिसके लिए ये बनाया गया है। माशाल्लाह। मुझे पुराने कपड़े पहनने की दुआ भी याद है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी हाज़ा सौबा वरज़क़नीही मिन ग़ैरी हौलिम मिन्नी वला क़ुव्वा। हर किस्म की तारीफ अल्लाह ही के लिए है जिसने मुझे ये लिबास पहनाया और मुझे मेरी जाती कुव्वत और ताकत के बगैर ये अता किया। माशाल्लाह मुझे ये जानकर खुशी हुई कि तुम अच्छी बातें सीख रहे हो। मेरा बेटा समझदारी में मुझ पर जो गया है। जी हाँ इसमें कोई शक नहीं। इतना लंबा जी हाँ कहने की जरूरत नहीं है, मुझ पर ही गया है। मैंने कब इनकार किया भाई। अच्छा बताओ कौन सा सामान रखना और कौन सा निकालना है? ये ऊपर से अटैच ही निकालिए। सर ये देखें, ये बेहतरीन फैब्रिक है और इसमें हमारे पास कलर्स की भी अच्छी वैरायटी मौजूद है। बाबा ये वाला कलर ठीक है। चलिए ये पैक कर दीजिए। ठीक है सर। अच्छा मुझे लार्ज साइज कुर्ता शलवार भी दिखाइए। जी सर, ये लीजिए सर। बाबा ये किसके लिए? आपके कारी साहब के लिए। ये व्हाइट वाला पैक कर दें। ठीक है सर।